हाँ राशन थोड़ा बहुत मिल रहा है, वो राशन दे रहा कि जहर दे रहा है, खा के मर जाइए। तो क्या राशन में ऐसा क्या है जो आपको लगता है? लगता है ऐसा है कि कल हम जो नमक घूल के देखे थे वो मोबाइल में नहीं बोले पहले थे, यहाँ से मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, पहले हम उसके नमक के घोले, उस नमक में क्या क्या है, हाँ कांच भी है उसमें बालू। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गांव के लोग चैनल में, मैं हूं पूजा। विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां जगह जगह पर रैलियां कर रही हैं और उन रैलियों में अपने कार्यों को बता करके तालियां भी खूब बटोर रही हैं। लेकिन वो कार्य कितने धरातल पर उतरे हैं और कितना कार्य हुआ है, इसकी हकीकत जानने के लिए हम गाँव का लगातार दौरा कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हम पहुँचे हैं शिवपुर विधानसभा के भवानीपुर गाँव में। यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे कितना विकास हुआ है, वर्तमान की पार्टी ने क्या कार्य किया है और इनकी क्या अपेक्षाएं हैं आने वाले विधानसभा चुनाव से। राजेंद्र प्रसाद सोनखर, आपकी नजर में यहाँ का कितना विकास हुआ है और क्या कुछ था यहाँ पे नहीं मिला? मिले तो साहब राशन पताई मिल रहा है, अभी तो हम लोग के कुछ मिल रहे हैं। आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? नहीं भाई, कहाँ से हल हो जाएंगे, विकास नहीं पढ़ा है, कुछ सब नहीं। कुछ हो रहा है? हाँ सब कुछ, पढ़ाई लिखाई हाँ, हाँ, रोजगार किसी को आपके बच्चों को नहीं मिला है? नहीं मिला है। आप क्या काम करते हैं? हम तो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं कहाँ पे? मनरेगा में? हाँ। अच्छा। नहीं नहीं, मनरेगा में नहीं। हाँ। मल्ला सट्टी फट्टी में काम करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपकी रोजी रोटी अच्छे चल रही है? भाई खर्च वगैरह आप कैसे चल रहा है तो भगवान ही जान रहे हैं, तो मोदी के ना मिलत तो कहाँ से चला। तो आप संतुष्ट है वर्तमान की पार्टी से? संतुष्ट है? हाँ। जितना कर रही है उतना बेहतर है? हाँ। अच्छा। क्या विकास किया है यहाँ का? यहाँ का विकास तो धीरे धीरे बहुत हो गया है। बहुत में क्या? रोड बना दिए है यहाँ पे, पंचायत का कुछ विकास हुआ है, क्या किया है? रोड और बनवाई किया है, रोड रोड बना है। हाँ। अच्छा, और क्या चाहते हैं आने वाले दिनों में आप फिर से चुन करके दोबारा इन्हीं को देखना चाहते हैं? आवे ना दोबारा फिर। केशव प्रसाद। आप किसान हैं? हाँ? किसानी करते हैं? हाँ हम किसानी करते। अच्छा, खाद उद मिलता है आपको? हाँ खाद तो मिलता है, क्या बाजार से लेना पड़ता है जो है। अच्छा। हाँ दुकान से लेते हैं जो है, वैसे ब्लॉक से नहीं मिलता है जो है। ब्लॉक से नहीं मिलता? नहीं 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 नहीं। अच्छा। हाँ तो महंगी हो गई है? हाँ महंगी हुआ है जो है, जैसे यूरिया हुआ या डाई हुआ, जब बोने का समय था तो मोल खरीद करके बोआ उसे। और अच्छा। दूसरा बात कि ये जो सड़क है, इतना खराब सड़क हो गया है कि यहाँ के अनिल राजभर जो है आते हैं इसी रास्ते से चले जाते हैं, उस पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कहा गया। अनिल राजभर यहाँ के क्या है? विधायक हैं जो है, यहाँ के विधायक अनिल। हाँ। और आते हैं और चले जाते हैं, लोग रोकते हैं तो कहते हैं भाई समय आएगा तो बन जाएगा जो है, और कोई सुनवाई नहीं जो है। समय कब आएगा ये नहीं बताते? ये नहीं बताते हैं जो है। अच्छा। हाँ अच्छा, ये जो अभी थोड़ा बहुत भी रोड सही है या फिर खराब है तो पहले से ही बना हुआ है कि नहीं? पहले का बना हुआ है, सब कुछ पहले का ही बना है। नहीं मोदी योगी के राज में बना जो है। हाँ हाँ। और इतना उधर आगे खराब हो गया है कि बहुत परेशानी है। पहले का बना है, आदमी गिर वो जो बना है आगे तो बहुत पहले का और बहुत खराब हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ। और क्या कुछ यहाँ पे विकास हुआ है, कुछ बना है, कुछ ऐसे जो नए नए किसान पेंशन वो आपको मिलते हैं? हाँ किसान पेंशन मिलता है जो है। अच्छा अच्छा। हाँ। और बच्चे आपके घर के बच्चे लिख पढ़ पा रहे हैं, किसी को रोजगार वगैरह कुछ मिला? हाँ पढ़ाई में तो जानो कि जब स्कूल खुला जो है तो लड़के तो जा रहे हैं, और समस्या यह है कि जब ऑनलाइन से पढ़ाई होती है तब हम लोग के पास उतना पैसा नहीं कि जैसे कि मोबाइल ले खरीदें और लड़का उससे पढ़ें जो है। सबसे समस्या तो यही है कि ऑनलाइन का पढ़ाई बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है, जो लड़का जो है स्कूल में बैठ करके पढ़ता था जो है और परिश्रम करके पढ़ाते थे तब कुछ आता था, अब ऑनलाइन में उनको कोई जानकारी है नहीं बच्चों को जो है, ये तो एकदम गलत किया जा रहा है जो है। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई आप नहीं चाहते कि? नहीं, स्कूल में क्लास में पढ़ाई हो तो अच्छा है जो है। हाँ हैं कि आने वाले विधानसभा में फिर किसको देखना चाहते हैं? अरे भाई अच्छा सरकार बने जो
मोदी जो योगी जो बने हैं जो है ये तो खाली पेपर में ही कहते हैं हमने इतना भर्ती किया। अरे कहाँ किया भर्ती, कहते हैं कि हमने जो है इतना नौकरी दिया, किसको दिया नौकरी जो है, इक्का दुक्का को आपने नौकरी दिया तो लाख दो लाख बोल दिए कि इतना हमने दिया जो है, गलत बात ना है एकदम जो है। हाँ, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं कि इन्होंने लाखों युवाओं को रोजगार दिया है, रोजगार दिया है, सब झूठा है केवल जो है। और ये जो ये वक्त फार्म भर रहे हैं कि पैसा आपको मिलेगा जो है, बस खाली भरते भर अथवा होला जो है चुनाव हो जाएगा, कहीं कोई सुनवाई नहीं होगा जो है। जी पी यादव जी, यहाँ के आपकी नज़र में यहाँ पे क्या कुछ विकास हुआ है? कुछ नहीं विकास है, जो विकास पहले का आज का विकास कुछ नहीं, जीरो है, जीरो है। हाँ, केवल कागज बचा रहा है, सरकार कागज के हैया है, लफाजी है, 420 फ्रॉड है, ये कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। बहुत सारी योजनाएं लाई है सरकार ने, किसी भी योजना का आपको लाभ मिला? अरे कोई योजना नहीं है, केवल कागज पर योजना, किसान पैसा कुछ लोगों को मिलता है बेचारे, कुछ लोगों को उसको भी मिलता है, जो इसमें आदमी जो दबंग है, बरियार है, एक बिस्सा जमीन लेकर यहाँ बसा है, अगर जाँच किया जाए तो कम से कम 80% उनको मिला है जो मकान बना के बाहर यहाँ रहते हैं। यहाँ के रहने वाले जो गरीब है, जो को 10-20 जमीन है किसान, उसको नहीं मिला है। जांच करवा लीजिए, कहते जांच कर ले सरकार। अच्छा, आपके माध्यम से कहते जांच करा के दिखावे हमको। 80% वही निकलेंगे जो बाहरी आए हैं, नौकरी वरी जो करते हैं, इधर खोल करके वही जिसे जातिवाद कहिए, जो ऊपर तबके के हैं उसका लाभ वही लोग ले रहे हैं। गरीब आदमी राज भर हुआ, यादव हुआ, कुर्बी हुआ, चमार हुआ, भर, इसको कोई लाभ इसको नहीं मिलता है। किस लाभ सरकार को मिलता है, पूंजीपतियों को मिलता है, अडानी को, अबानी को, या तो कोई पैसा वाला हो उसी को लाभ मिलता है। उसी प्रकार से गांव में भी है, गांव में ही है कि जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं को लाभ मिल रहा है। बताइए कितने लोग का कौन लाभ मिलता है, सब भूखमरी से मर रहे हैं, बोल रहे थे ना क्या लाभ इनको मिला है, इनका आवास बना है कि क्या बना इनको, जमीन अपना बेच करके घर बनवाए हैं, बनवाए नहीं बनवाए हो, क्या बनवाए सरकार से, क्या मिला है? 5 किलो आटा से गेहूं से काम चलेगा, इससे काम होगा? अच्छा, तो आपका रोजगार क्या है? हमारा कोई रोजगार है, समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा करते हैं, आपके घर में जो बच्चे हैं किसी को रोजगार मिला? कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं है, तो फालतू पढ़े पढ़ लिख करके MBA करके ITI करके इंजीनियरिंग करके सब घर पे बैठे हैं, फालतू घूम रहे हैं बेरोजगार के चक्कर में। तो आपकी नज़र में इस सरकार का काम कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं, जीरो है, जीरो जीरो, कुछ भी नहीं है, एकदम निगेटिव। तो आप क्या चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस जुमलेबाज को हटाना है? हम तो चाहेंगे यूपी में अखिलेश यादव को लाना है, सपा सरकार लाना है, जो कुछ करे वो करके दिखाया है, काम किया है प्रदेश के लिए, इनका कोई काम बतावे कोई हमको जो किया हो, उसका विकास है, कई ठो काम किया है। अरे यहाँ बवड़ा पर जितना पुल बना उन्हीं का देन है, और जो पूर्वांचल का वही उद्घाटन किया है, कॉरिडोर जो विश्वनाथ वाला चल वही आदमी न्यू डाला, उसी समय का वो प्लान था, ये उद्घाटन करते हैं, उद्घाटन कर देते हैं, ये कर दिए वो कर दिए, क्या किए हैं? तो इसको लफाजी झूठ बोलना, 420 करना, हिंदू मुस्लिम करके राइट करना, लड़ाना, इनका यही काम है, आपस में लड़ गया, ये तो अंग्रेजों से सब बढ़ गए ज़्यादा, फूट डालो राज करो, एक जातियों को लड़ाना, लड़ा करके वोट लेना, इनका यही काम है। आपका नाम? मेरा नाम कुसुम है। अच्छा, आप क्या करती हैं? क्या करते हैं, यही खेती बाड़ी थोड़ा बहुत है वही करते हैं। मोदी क्या किया है कि वो जो छोड़ दिया है गाय बछड़ी बछड़ा सब एकदम चर के नाश कर देते हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं पंचायत के या फिर प्रधान, तो कुछ सुनवाई नहीं है क्या? नहीं, क्या सुनेंगे प्रधान, मतलब आप बोलती हैं कि इनको पकड़ के रखो या नहीं, तो हम लोग क्या बोले, सभी का खाता है, मेरा भी खा जाता है। पहले ऐसा नहीं, नहीं पहले ऐसा तो नहीं था, जब से कि ये योगी मोदी हुए हैं तब से तो सब तरफ से नाशा करा रहे हैं। अच्छा, आपको खाद वगैरह मिलती है कि खरीदना पड़ता है? खरीदना पड़ता है। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे सामुदायिक केंद्र बना हुआ है, तो आपको इससे क्या लाभ है? दवा हमके कोई लाभ ना, हमके कोई लाभ नहीं। राशन वगैरह मिल रहा है आपको? हाँ, राशन थोड़ा बहुत मिल रहा है, वो राशन दे रहा कि जौहर दे रहा है, खा के मर जाइए। तो क्या राशन में ऐसा क्या है जो आपको लगता है? क्यों लगता है ऐसा कि कल हम जो नमक घूल के देखे थे वो मोबाइल में नहीं बोले पहले थे? यहाँ से मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, पहले हम उसके नमक के घोले, उस नमक में क्या क्या है, हाँ कांच भी है, उसमें बालू भी है, बताइए अगर छोटे छोटे बच्चे खाएंगे वो नमक के तो बच्चे के क्या होगा अंदर? और क्या क्या मिल रहा है आपको यहाँ से राशन के अलावा?
हमके राशन के अलावा ये पहला बार तेल मिलल रहल है, एक लीटर नमक मिलल रहल, एक किलो चीनी, अरे चीनी नहीं वो चना, सावित्री। हाँ। अच्छा, तो आपकी नजर में क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे और क्या कुछ मतलब हुआ है, क्या कुछ विकास हुआ है? यहाँ कुछ नहीं हुआ कि नहीं? कुछ नहीं विकास हुआ है, कुछ भी विकास नहीं। अच्छा, तो समस्याएं आपको क्या क्या? समस्या ये राशन मिले तो वो बंद हो गल, राशन नहीं मिल रहा है? नहीं। तो क्यों, राशन कार्ड पे तो राशन मिल रहा है? वो खा चबा के बैठ गई ना। नहीं तो रास्ता पेड़ वो बंद हो गल, कौन सी का मन के सुविधा बा? नहीं तो राशन क्यों नहीं मिल रहा आपको? अब ना ही मिलत बा तब पता नहीं काहे ना मिलत है आपका राशन कार्ड हो? तो जब आप ले जाती हैं ब्लॉक पे तो क्या कहते हैं? वही जमा हो गल, खत्म हो गल वो। अरे चाहा था मन के न खायल जाए न जिए ले, तो कैसे वोट ले बदे तो दौड़े लगी हैं, वोटी का तो चार दिन के बाद लगी हैं, हाथ गोड़ जोड़ा की वोट चाहिए। आप नहीं कहते कि हमारी ये समस्या है इसको दूर करिए? काहे ना कर लिए? नहीं, आप पिछली बार जो वोट डाली है आप उस समय भी तो लोग दौड़ के आए होंगे। हाँ, तो उस समय आपने नहीं कहा? तो ना ही ना कोई जान तोड़ के ऐसा बारी आई। अच्छा, तो पिछली बार कुछ समस्या नहीं थी? नहीं। सब कुछ ठीक था? हाँ। अच्छा। तो बहुत समस्या बा। तेजू यादव। अच्छा दादा, आप तो यहाँ पे लंबे समय से देख रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों के काम को भी देखा होगा आपने, तो वर्तमान की जो सरकार है उसने आपकी नजर में कितना काम किया यहाँ के लिए? अब ये सरकार में तो दो तीन प्रधान दो तीन जाए भैल, बुढ़वन वाला भर एक को नहीं कह। अच्छा, किसान वाला भर एक को नहीं, वृद्धा पेंशन मिला लेकिन नहीं मिले तब बने बोले थे। अच्छा, और किसान पेंशन भी ना लाई? अच्छा, और वो खाद वगैरह है? खाद लाई, खाद दुकान से खरीद के डाले जाला खेत में, तो ब्लॉक पे खाद ना मिला ला? नहीं। अच्छा, और वो राशन वगैरह मिला ला? हाँ, राशन 5 किलो मिलता है। अच्छा, बस आप ही को? हाँ, बस। आपके घर में और सबको, किसी को? औरतें के भी। तो आपकी खेती वेती है? हाँ, थोड़ बहुत हो। अच्छा अच्छा, वही तो में अपन हमारा लड़का अपन देखता भल करता है। अच्छा, तो लड़का आपकी खेती करता है? हाँ। अच्छा, तो खेती में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं इस समय? अब यह 50 भैंसा सांड छूटल बा, रात के आके खा जात बा, ठंडी है ढंग का बा, का करल जा, रियाज का करके बैठल बा आके खा जात हुआ, छोट छोट लोग हाँक देत बा। अच्छा, तो वृद्धा पेंशन ना मिलल तो? नहीं। और किसान पेंशन भी ना? नहीं। अच्छा, तो मतलब किसी भी तरह का कोई भी योजना का तो के लाभ ना मिला? एकदम लाभ ना है, खाली हुआ है 5 किलो आटा का लाभ, बस वही जो राशन मिला। हाँ। वाले समय विधानसभा चुनाव होके वाला फिर से, तो कहा चाहते हो कि परिवर्तन? हाँ, परिवर्तन हो तो काम हो, ये हम काम नहीं दिखाओ तो सोचे थे परिवर्तन हो, काम हो, यहाँ तो काम करी है। नहीं तो ऐसे तो रैलियों में तो कहते हुआ कि बहुत काम भयल है गाँव के लिए, गाँव गाँव तक पहुँचे। थोड़ा सड़क बनल, थोड़ा सड़क बनल हो, बनल हो मगर। हाँ। मगर थोड़ा मतलब ना ही काम भयल आओ। हरिशंकर। हरिशंकर, अच्छा दादा, काफी समय से तू यहाँ के अपने गाँव के देखत होगा, कितना विकास भयल है यहाँ का? कुछ नहीं, टोटल नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। इस सरकार में टोटल विकास नहीं हुआ है हमारे गांव में, रोड सड़क कुछ भी, कुछ भी टोटल नहीं, जो है जो पुराना है नया में कुछ नहीं हुआ 5 साल में। ऐसे तो बीजेपी सरकार हर जगह जो की रैलियां कर रही है, तो बड़े बड़े दावे की हम बहुत सारा काम किए हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, देखिए भवानीपुर गाँव में क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, न रोड बना है, न तो पानी की सुविधा है, न तो कुछ भी है। आंगनबाड़ी आपके सामने न शौचालय बना हुआ है, इसका आज तक चालू भी नहीं हुआ है, तो इसके कार्य से खड़ा कर दिए हैं योगी जी। अच्छा, तो इसके पीछे की वजह क्या, क्यों नहीं चालू हुआ? बजट नहीं हुआ, किससे पूछे, योगी जी से जहाँ पूछ रहे हम। अच्छा, खाद वोद मिल रहा है? खाद वोद कुछ भी नहीं मिलता है, अब लोग सब दुकान से खरीद कर अपना खेती करते हैं, बोते हैं। बहुत सारी योजनाएं चला रही सरकार, किसान पेंशन से लेके वृद्धा पेंशन, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं? किसान पेंशन वाली जो बात आप कर रहे हैं, किसान पेंशन हमको खाली जब से मोदी जी चालू किए तब से 3 बार मिला, इसके बाद एकदम कट गया, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है किसान पेंशन। बैंकों में जाके पता है कि क्यों? हाँ, नहीं मिल रहा आपको? बार बार पेंशन अथवा बैंक में गया तो बैंक वाला बोलेगा जब डालेंगे तब ना हम देंगे, कहाँ से देंगे हम। अच्छा, कितना मिलता है? 2000 रुपया अथवा आता है किसान पेंशन। अच्छा अच्छा, और भी किसी को आपके घर में मिलता है कि सिर्फ आप ही? नहीं नहीं, किसी को नहीं, खाली हमको मिलता है। अच्छा अच्छा, तो आपको आपकी नज़र में यहाँ का कोई विकास? कोई विकास नहीं हुआ है भाई, टोटल 5 साल में कोई विकास, न तो अनिल किए हैं, न तो महेंद्र नाथ यहाँ के पांडे सांसद है वो भी एक बार नहीं आए हैं, भाजपा का कोई भी विधायक यहाँ नहीं आया है।
टोटल। अच्छा, तो मतलब मैं कहूँ कि यहाँ जो वर्तमान की सरकार है उनके विकास सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग पे हैं। वो कहते हैं कि इतने लाख युवाओं को रोजगार दिया है, तो आपके घर में किसी को रोजगार मिला? कोई नहीं, कुछ नहीं है। आवास वगैरह कुछ नहीं? सुनिए एक मिनट, आप कहना चाह रहे हैं हम बता रहे हैं। बलुआ घाट का पुल अखिलेश सिंह गवास बनवाए हैं, भथरा घाट का बनवाए हैं, कोरौद का बनवाए हैं, बड़ोड़ा महोत्सव उद्घाटन किए हैं, जो किए हैं यहाँ पर कार्य अखिलेश का है, योगी जी का कुछ भी नहीं। टोटल पाँच साल में कुछ भी नहीं हुए भवानीपुर के किए हैं या अथवा किए हैं। बनारस में तो उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाए हैं, मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है ना। अभी ये बगले में चलिए 100 कदम आगे, इतना इतना गड्ढा से आप पार होंगी। मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है यह उत्तरी। कुछ भी नहीं किए है, मतलब शहरों को सिर्फ चमकाया जा रहा है, खाली बस हाईवे रिंग रोड बनवा करके चमका रहे, देहात को चूल्हे भाड़ में झोंक दिए जी। तो आने वाले दिनों में आप क्या चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या? विधानसभा चुनाव में अखिलेश को हम चाहते हैं, अखिलेश ने काम किए हैं उनको हम चाहते हैं। गुंजर। अच्छा, आप यहाँ पे एनएम है? हम यहाँ पे कब से हैं यहाँ पे? 5 मंथ से। 5 महीने से आप एनएम का कार्य देख रहे हैं? अच्छा, इसके पहले भी आप कहीं कार्य कर रहे थे? नहीं, हमारा फर्स्ट टाइम है। अच्छा। और हम लेकिन पिंडरा ब्लॉक में है, यहाँ पे जब कोई और एनएम नहीं आती है तब हमें आना रहता है। तो यहाँ पे पूरे जिले में आती है क्यों? मतलब उनको जैसे अगर तबीयत खराब है या किसी प्रॉब्लम की वजह से वो छुट्टी पे हैं तब हम आते हैं। अच्छा अच्छा, तो हाँ। आज किसी प्रॉब्लम की वजह से आपको आना पड़ा है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे स्वास्थ्य का आप काम देख रही हैं, अभी कोरोना समय बीता है, फिर से शुरू होने वाला है, तो सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएँ हैं गाँव के लोगों के लिए? जैसे ये इसमें है कि जो लोग मतलब हॉस्पिटल तक नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए सारी सुविधाएँ, उनका ब्लड टेस्ट करना और जो भी वाइटल है मतलब बीपी, शुगर और एचबी, इनका सब यहाँ पे टेस्ट हो जाता है। और प्राइमरी हेल्थ सेवाएं जो भी है यहाँ पे उपलब्ध हो जाती हैं, जिसको ज़्यादा दिक्कत होता है तो उसे बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, तो हम लोग अस्पताल के लिए रिफर करते हैं। अच्छा अच्छा, तो जो प्राइमरी है वो आप टेस्ट कर देती हैं? हाँ। रिजल्ट बता के फिर आप उनको भेज देती हैं कि आप? हाँ, अगर ज़्यादा दिक्कत है उनको तो भेज देते हैं, अदरवाइज जो हमारे पास और सारी मेडिसिन है वो हम उनको देते हैं। अच्छा, तो मेडिसिन वगैरह किसके मैं कहूँ कि किसके एडवाइस पे आप देती होंगी? MBBS डॉक्टर से हम सब बात कराते हैं, फिर उसके बाद वो दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, हम वो दवा उनको देते हैं। अच्छा, दवाएं आपको मैं कहूँ कि पूरे मात्रा में उपलब्ध रहती हैं? हाँ, दवाएं हमें सब रहती हैं हमारे पास। अच्छा, और टेस्ट वगैरह किट जो होता है, कहीं कहीं समय में मैंने देखा था कि अभाव पड़ रहे थे, तो यहाँ पे कोई ऐसी समस्या नहीं है? नहीं, हमारे पास तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, सब अवेलेबल रहता है। अच्छा अच्छा, तो पिंडरा में कभी कभी कदार किसी के पास, जैसे अगर पेशेंट ज़्यादा आ गए, महीने भर का एक बार का एवरेज हो गया है, अगर किसी बार जैसे अभी इस टाइम ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं तो कभी कभी कम हो जाता है, नहीं मोस्टली दवाएँ रहती हैं हमारे पास। आपके पास अभी मैं कहूँ कि गांव में से मतलब ज़्यादातर पेशेंट किस तरीके के बीमारियों से ग्रसित हैं? मेनली यही हाथ पैर दर्द और बॉडी पेन हो गया, तो और सर्दी जुकाम। हाँ, नहीं ये तो मौसम की वजह से नहीं है, क्योंकि ये लोग बताते हैं 2 साल से हो रहा है, 3 साल से हो रहा है, सर्दी जुकाम ये मौसम की वजह से है, बुखार है। तो ये लक्षण तो कोरोना के भी हैं, तो आप कैसे जस्टिफाई करती हैं कि ये उसके ऐसे मौसम के वजह से है? जैसे अगर 2-3 दिन से हो रहा है तो हम मेडिसिन देते हैं, अगर उनको ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं ज़्यादा दिक्कत उनको अगर हो रहा है तो उनको डॉक्टर के पास जाने के लिए बोलते हैं। अगर उन्हें सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, उनका ऑक्सीजन लेवल कम है, तो तुरंत उनको हॉस्पिटल भेजते हैं हम सब। ठीक है, तो 5 महीने में आपको किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है एक NM के तौर पर? ये हम लोगों का फील्ड वर्किंग है तो इसमें प्रॉब्लम होती है। समय समय पे आपको सैलरी मिल जाती है सारी चीज़? हाँ, सैलरी हमें इस टाइम पे मिलता है। सविता देवी। आप यहाँ पे आंगनवाड़ी सहायिका हैं? सहायिका। अच्छा, यहाँ पे कितने बच्चे आते हैं और ये कब से आंगनवाड़ी का काम चल रहा है यहाँ पे? यहाँ फिलहाल ये आंगनवाड़ी तो उधर चलता था। कहाँ पे? गांव में। अच्छा अच्छा, तो हाँ वहाँ केंद्र नहीं है। अच्छा अच्छा, तो पेड़ के नीचे हम लोग चला रहे थे, तो यहाँ 2 महीने से यहाँ पर बना है संस्था। 2 महीने पहले यहाँ पे बना है? नहीं, ये बना तो वहीं से है। हाँ। लेकिन हमारा आंगनवाड़ी शिफ्ट हुआ है 2 महीना से पहले, 2 महीना हो गया। कितने बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ते हैं जो?
ऐसे रजिस्टर से तो मैडम बता सकती हैं ना। अच्छा अच्छा, तो गांव में आप बच्चों को लेने भी जाती हैं? हाँ, बुलाने जाते हैं, लेकर आते हैं बच्चों को, फिर पहुंचाने भी जाती हूँ। हाँ, फिर छुट्टी होता तो पहुंचाने तो जाते कितने हैं। कितने से कितने साल के पूरे बच्चे होंगे यहाँ पे? मतलब कि 3 साल से लेकर के 6 वर्ष के बच्चे। अच्छा, तो आपको कितने से कितने समय तक यहाँ पे देखना पड़ता है बच्चों को? मतलब कि जैसे 9 बजे का स्कूल है तो हमें 9 बजे का रहता है, 2 बजे तक। 2 बजे तक आ जाते हैं? हाँ, 2 बजे तक रहना पड़ता है। अच्छा अच्छा, 2 बजे तक आपको रहना पड़ता है, फिर 2 बजे आप बच्चों को पहुँचा? हाँ, पहुँचा, छुट्टी करते हैं तो फिर पहुँचाने के लिए। अच्छा, बच्चों के लिए मिड डे वगैरह जो यहाँ पे आता है तो मिलता है? मतलब क्या क्या आता होगा? जैसे दलिया हो गया, रिफाइंड हो गया, चावल हो गया, तो गेहूँ हो जैसे गया। बना के जो बच्चों को बचा के बना के तो नहीं मिलता है। अच्छा। बच्चों को बना कर नहीं मिलता। पहले वो सत्तू वगैरह बढ़ता था? पहले सत्तू बढ़ता था, तो अभी वो नहीं बढ़ता? नहीं, अब वो नहीं बढ़ता है। अच्छा, सिर्फ दलिया वलिया ये सब घर दिया जैसे? हाँ, घर दिया जाता है, जैसे छोटे बच्चों को जिसके पेट में बच्चा है, गर्भवती धात्री को ऐसे दिया जाता है। अच्छा, 2 साल के बच्चों को दिया। ये जो चीजें हैं वो आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाती हैं? ये तो हम कैसे बता सकते हैं, कार्यकर्ती बता सकती हैं, वही लाती हैं। जब यहाँ लाती हैं तो हमको कहती हैं कि बच्चों को बुला लो, गर्भवती धात्री को बुला लो, तो हम बुलाते हैं, वो बांटती हैं। तो आपको बुलाने में कोई समस्या नहीं होती है? मतलब वो तुरंत आ जाती हैं? समस्या तो होती ही है, सब कहती हैं कि नहीं, तुरंत नहीं आती हैं। वो कहते हैं कि इतना दिन हो गया नहीं दी, इतना दिन हो गया नहीं दी। भाई जब आएगा तभी ना बुलाएंगे, तो हमको हमारा काम है बुलाना और उनका काम है देना। तो कितना समय रहता है कि इतने समय पे उनको देना है? कोई ऐसा टाइम पीरियड बना है कि इतने बाद उनको देना है? दे तो हमको पता नहीं है, ये तो मैडम को पता होगा। आज जब उनसे पूछते तो बोलते हैं जब आएगा तो देंगे। और गाँव में जाते हैं तो बोलते हैं दीदी कब मिलेगा, इतना दिन हो गया नहीं मिल रहा है। तो हम कि भाई मैडम बताएंगे, जब करती तो हम आपको बताएंगे।